मोर आदमी रहीस तो मोर दम रहीस, और मोर आदमी तो देश के लिए अपन कुर्बान दे दी, मोर आगे पीछे कोई नहीं। बीजापुर जिले के तर्रेम में नक्सलियों की गोलीबारी का हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। नक्सलियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमारे भी 23 जवान शहीद हुए। इन वीर जवानों में राजनांदगांव जिले के आलीखुंटा के वीर सपूत जगत राम कंवर भी शामिल है। सोमवार को उनका पार्थिव देह उनके गृहग्राम आलीखुंटा पहुंचा, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर सहित ग्रामीण उनकी शहादत को नमन करने पहुंचे। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 22 जवान शहीद हुए थे, मैं उनको नमन करता हूं और यहां भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग आए हैं। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, और जिस प्रकार से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलके विशेष कार्य योजना बनाने की बात सामने आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसे हल इसका समाधान भी निकल सकेगा। शहीद आरक्षक जगत राम कंवर साल 2013 में एसटीएफ में शामिल हुए थे और बीजापुर जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात थे। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। आज उनके गृहग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गॉड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। आलीखुंटा का ये नौजवान जो वीरगति को प्राप्त हुआ, उस पर पूरा ये गांव, पूरा राजनांदगांव क्षेत्र ही नहीं, पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ देश गर्व करता है। किंतु दुखद यह है कि ऐसे लगभग 25 के आसपास जो ऐसे वीर गति को प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं व्यवस्था पर, शासन पर जवाबदेही जाती है। शहीद जगत राम को उनके 18 साल के बेटे दुर्गेश ने मुखाग्नि दी। शहीद जगत राम कंवर के अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी और सभी ने नम आंखों से उनकी शहादत को नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। TCP 24 के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।